और मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि मिर्जापुर में पेरोल पर छोड़े गए 18 बंदी फरार हो चुके हैं। बड़ी खबर मिर्जापुर से इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर पेरोल पर ये 18 बंदी छोड़े गए थे, लेकिन अब ये फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल कोविड काल के दौरान इन बंदियों को छोड़ा गया था पेरोल पर, और बंदियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, और मिर्जापुर पुलिस इन बंदियों को अभी तक पकड़ नहीं पाई है। जेल प्रशासन ने इस दौरान कई बार खत लिखा है, लेकिन बावजूद इसके मिर्जापुर पुलिस असफल साबित हुई है इन तमाम बंदियों को पकड़ने में। 18 बंदी बताए जा रहे हैं, जिनमें से दो की मौत हो चुकी है। कोविड के दौरान इन बंदियों को पेरोल पर रिहा किया गया था, लेकिन अब इनको पकड़ने में जो मिर्जापुर पुलिस है असफल साबित हो रही है, और इन 18 में से दो बंदियों की मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है, और बाकी जो बंदी हैं वो मौके से फरार हैं, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और अब खबर है रायबरेली से, जहां पर पुलिस की लचर कार्यशैली की वजह से चोरों का हौसला बुलंद होता नजर आ रहा है, और बेखौफ चोरों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से ही मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। मामला है कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का, जहां निर्वाचन कार्यालय के सामने वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार की ही मोटरसाइकिल चोर लेकर रफूचक्कर हो गए हैं। इस समय जिस समय ये बाइक चोरी हुई है, उस समय सहायक निर्वाचन अधिकारी बचत भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में गए हुए थे, और इसी दौरान उनकी बाइक चोरी हुई, और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने जब अपनी मोटरसाइकिल कार्यालय के सामने स्टैंड पर नहीं पाई, तो तत्काल इसकी सूचना नगर कोतवाली पुलिस को दी गई। अज्ञात बाइक चोरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। अभी तक बाइक और चोरों का कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन अपने आप में यह घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर एक परिसर में से, एक अधिकारी सरकारी परिसर में से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है एक अधिकारी की, और वहां पर किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और अभी भी शिकायत दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है, ना तो चोर का पता चल पाया है, ना ही बाइक को ट्रेस किया जा सका है। सामने स्टैंड में खड़ी थी, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गया था, वहाँ से आने के बाद जो है यहाँ से मेरी बाइक जो है उठ गई है, बाइक नहीं है। कौन तो सा परिसर है ये? कलेक्ट्रेट परिसर है, यहीं कलेक्ट्रेट परिसर से। यहाँ किसके इसके ऑफिस है? यहाँ पर मेरा ऑफिस है, मेरे बगल में सीलिंग ऑफिस है, और बगल उधर कप्तान साहब का ऑफिस है, यही सब ऑफिस है। क्या लग रहा है, चोरों को कप्तान का भी डर नहीं, उनके ऑफिस के बगल से बाइक चोरी कर ले गए? अब यहीं से सामने से मेरी बाइक उठा ली गई है, अब पता नहीं कौन उठा के ले गया है। और सूचना दिया पुलिस को? सूचना दे दी गई है। और खबर अब है रायबरेली से, जहां हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्योरेपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा होने से टल गया है। यहां पर घर की छत पर छत डालते समय दो मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, और करंट की चपेट में आने की वजह से ये दोनों मजदूर झुलस गए हैं। आनंद फानन में इन दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मजदूरों का नाम बाबूलाल, जिसकी उम्र 48 साल है, वो रुस्तम खेड़ा का निवासी बताया गया, जबकि दूसरा मजदूर उसका नाम कुलदीप बताया जा रहा है, जो कि 25 साल का है और गुलूपुर का निवासी है। प्यारेपुर में काम करते थे, और ये बगल में एक बगल में इसके घर था, एक बगल में इसके बगल में घर था, तो दोनों के मतलब ये तार ऊपर से गिराए, तो बगल वाले एक लेबर लेके गया तार, उसके छुआ दिया बोर्ड में, ले जाता था तब तक 33,000 के बगल में लाइन थी, तो वही मानी तार वो टेच हो गया, तो नीचे वाला तार नीचे गिर गया, ऊपर तार ऊपर रह गया। रायबरेली में मिट्टी से जोड़कर बनाई गई ईंटों की दीवार गिरने की वजह से मासूम बच्चे की मौत हो गई है, जबकि इस दौरान उसके साथ खेल रही उसकी बहन, उसकी हालत काफी गंभीर है। बता दें आपको कि डॉक्टर ने इस घायल बच्ची को अब लखनऊ रेफर कर दिया है। मामला है जी थाना क्षेत्र के लोधवारी गांव का, जहां पर रहने वाले दिनेश, जो कि दिल्ली में काम करते हैं, दिनेश के दो बच्चे गांव में अपनी मां के साथ रहते हैं। दो दिन से यहां पर हो रही लगातार बारिश के चलते मिट्टी से जोड़कर बनाई गई ईंटों की यह दीवार ढह गई है, जिसकी वजह से 7 साल कारपेट और 9 साल की पलक इस मलबे में दब गए, और आपको बता दें कि मलबे में दबकर अर्पित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पलक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पलक की हालत काफी गंभीर है, जिसे देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया है। बाद बच्चे दो थे, एक एक्सपायर हो गया, एक भर्ती है जिला अस्पताल। क्या नाम है बच्चे का, क्या उम्र थी? अर्पित की उम्र थी 7 साल, इसकी है 9 साल। पलक जो बच्चा खत्म हुआ, ये भाई जी डी से दो बच्चे आए हैं,
अर्पित 5 साल और पलक 7 साल। कुछ लोग उनके पड़ोसी लेके आए थे, बता रहे थे दीवार गिर गई है, जिसमें अर्पित की मृत अवस्था में यहाँ लाए गए थे और पलक को हेड इंजरी थी तो उसको एडमिट किया गया। और अनियंत्रित तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। इसी के चलते एक ट्रक ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। खबर है रायबरेली से, जहां पर तेज रफ्तार का एक कहर देखने को मिला है। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइकिल सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस मृतक युवक की पहचान राजेश कुमार के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 42 साल बताई गई। घटना जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचशील विद्यालय के पास की बताई जा रही है। और पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंगों के हौसले बुलंद होने का एक और मामला सामने आया है। इसके चलते चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से एक परिवार पर हमला कर दिया। मामला है जगतपुर थाना क्षेत्र के बेरीहार गांव का। यहां पर रास्ते को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और ये विवाद प्रधानी की पुरानी रंजिश को लेकर हुआ है। बता दें आपको कि पहले से ही दोनों पक्षों में तनातनी का माहौल था और ग्राम प्रधान करण बहादुर सिंह ने योजना के अनुसार एक घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया है। मारपीट की गई, जिस दौरान कई लोगों को गंभीर चोट आई है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दबंगों के द्वारा मारपीट का ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि ये वीडियो जो सामने आया है, इसमें ये दबंग जो परिवार है हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मारपीट की शुरुआत है वो दबंग प्रधान ने की है और वो अपने गुर्गों के साथ एक घर में घुसा और परिवार वालों पर मारपिटाई की गई।